नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कैसे क्या होता है। बहुत से लोगों के कमेंट आए टेलीग्राम पे कि सर बता दीजिए कि एमपी हाई कोर्ट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, टाइपिंग स्पीड क्या होती है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आए। तो आज उसकी पूरी फुल वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी इसी प्रकार की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करेंगे अपन। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो स्टेनो और सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती होती है, उसमें सबसे पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है 100 नंबर का, ठीक है। उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है जिसका कट ऑफ कुछ निम्न प्रकार है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं पेपर थोड़ा इजी आता है तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है एमपी हाई कोर्ट की, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश भी आती है तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से पढ़नी होती है एमपी हाई कोर्ट के पेपर में, ठीक है। तो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम हो जाता है एमपी हाई कोर्ट का। रिटर्न होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। आपका सेकेंड जो फेज होता है वो होता है स्किल टेस्ट के लिए। तो उसमें पूछा गया था कि आपको कितना टाइम मिलता है, तो उसके लिए आपको टाइम मिलता है कम से कम 2 से 2.5 महीने का आपको टाइम मिलता है स्किल टेस्ट का, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम के बाद से आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने का आपको समय मिलता है, ठीक है, स्किल टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। आपकी स्किल टेस्ट की डेट आती है, तो स्किल टेस्ट दोनों का होता है, स्टेनो वालों का भी, स्टेनोग्राफर का भी, और जो सहायक ग्रेड 3 है उनका भी आपका डिक्टेशन होता है, और जो एलडीसी की पोस्ट होती है उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये जो तमाम सारी पोस्ट है इनका सबका स्किल टेस्ट होता है। तो सबसे पहले अपन सहायक ग्रेड 3 वाली पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपका होता है एक ऑडियो, ऑडियो में होता है, ठीक है। सबसे पहले खास बात यही है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वहां आपको पेपर देंगे या फिर बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वहां पे ऑडियो में आवाज आएगी, स्पीकर में आवाज सुनाई देगी, पर आपको सुन के टाइप करना है, ठीक है। तो आपको सुन के टाइप करना है ना कि देख के टाइप करना है, ठीक है। तो आपका ये सहायक ग्रेड 3 का है जो स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको जो है आपकी रेमेंटल के लिए वो टाइपिंग कीबोर्ड रहेगा, ठीक है, उसमें आपकी टाइपिंग होगी जो आपको ऑडियो सुन के टाइप करना है। तो ये आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका ये स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। ये स्किल टेस्ट होने के बाद आपकी कम से कम स्पीड कम से कम हिंदी की हो, हिंदी कम से कम 28 से 30 के ऊपर आनी चाहिए, कम से 30+ ही मान के चले, हिंदी की स्पीड 30+ होनी चाहिए कोर्ट के डिक्टेशन में ऑडियो में, ठीक है। ऑडियो सुन के आपको जो टाइप करना है उसमें 30+ आनी चाहिए, ठीक है। देन अब आपका बात करते हैं स्टेनोग्राफर का, जो स्टेनोग्राफर के लिए पास होते हैं स्टेनोग्राफर, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन होता है, तो जो डिक्टेशन है वो भी आपका ऑडियो पे होगा, ठीक है, ऑडियो सुन के आपको लिखना है, ठीक है। तो वो भी आपका ऑडियो पे होगा, तो आपको वो लिखना है आपको बहुत अच्छे से, जो 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना है। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, आपको लिए समय दिया जाएगा 5 मिनट पढ़ने का और 55 या 60-65 मिनट आपको वो लिखने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए आपको समय दिया जाता है 80 शब्द प्रति मिनट को, ठीक है। तो वो आपको फिर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के उसका ट्रांसलेशन करना है। तो उसका ट्रांसलेशन करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपका सबमिट कर देने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद फिर आ गया आपका फाइनल जो रिजल्ट है, जो फाइनल मेरिट आती है जो होती है। तो सबसे पहले जो डिक्टेशन सहायक ग्रेड 3 वाले डिक्टेशन में यदि पास हुए होंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर जो स्टेनो में पास हुए वो स्टेनो के लिए आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा इसका एमपी हाई कोर्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी छोटी न्यायालय होती है उन सब में आपको पोस्टेड किया जाता है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 स्टेनो सारे जो होते हैं उन सबको पोस्टेड किया जाता है, ठीक है। तो उनमें आपका क्या होता है, आप जो आपकी वर्किंग होती है वो वर्किंग हो सकती है आपके जज के पास बिठा दिया जाए या मजिस्ट्रेट के पास बिठा दिया जाए या अदर आपको कहीं भी बिठा दिया जाए, जिससे आपका स्टेनो से रिलेटेड या टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कोई आपके मजिस्ट्रेट हुए या जज हुए वो आपको आपके डिक्टेशन के लिए आपको घर भी बुला सकते हैं उनके, ठीक है। तो आपको उनके घर के घर पे भी जाना पड़ता है डिक्टेशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है वो अभी अप्रैल में आने वाली थी, बट वो कोरोना कोविड के चलते पोस्टपोन हो चुकी है। तो ये आपकी एग्जाम जून जुलाई के आसपास आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का वीडियो था। यदि वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट हर जॉब से रिलेटेड मिलती रहेगी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।